आज आपको मैं बताऊंगी कि आप अपने हेयर्स पे ऑयल को कितने अच्छे तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक व्यूवर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप मुझे ये वाला ऑयल जो है अपने बालों में डाल के दिखाइए। मेरे पास इसकी बॉटल नहीं है, जस्ट पाउच है, और मैं इसे अपने बालों में अप्लाई करके दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी किसी वीडियो में मुझे ये वाला ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करके दिखाइए, तो जस्ट आपके लिए मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसकी बॉटल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा ऑयल है। बट सीरियसली मैं आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं अपने हेयर्स के लिए वाकई में कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाला नहीं करती हूँ। मेरे नाना जी मेरे लिए प्योर कोकोनट ऑयल निकलवाते हैं, वो जो गोले होते हैं गरी जिसको बोलते हैं वो लेके जाते हैं, और उनके आसपास कहीं मील है तो वो वहाँ पे ऑयल निकलवा के और इतनी सी बड़ी बॉटल भर के मुझे दे देते हैं, जो मेरी आराम से साल भर चल जाती है। मैं वैसे ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा रेमेडीज़ में आपको बताया भी है, एक रेमेडी में मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। देखना चाहें आप तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कि वो ऑयल कैसे बनवाया गया। अगर आपके आसपास भी कोई निकालने वाला रहता है तो प्योर निकलवा लीजिए, बाकी मैं इसे यूज़ करना बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक क्लीन बाउल ली है और मैं इसमें इस ऑयल को ऐड कर लूँगी, आप देख सकते हैं। मैं इसमें से इतना ऐड करूँगी कि ईजिली मेरे बालों के लिए हो जाए, और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑयल है ये काफ़ी अच्छा है, इसमें मिक्स जो है वो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया गया है और इसका नाम भी रखा गया है पैराशूट एडवांस एलोवेरा हेयर ऑयल। तो इसमें आपको कोकोनट ऑयल के साथ साथ एलोवेरा के जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ट्राई करके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसको परचेस करने का। वहाँ पर कुछ ऑफर भी है तो कुछ कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी मैं 100% किसी को नहीं बोलूंगी, क्योंकि 100% किसी को हर चीज सूट नहीं करती है। क्योंकि होता क्या है, हेयर लॉस का एक प्रॉब्लम नहीं होता, हेयर लॉस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम, लिवर में इन्फेक्शन, इसके अलावा हार्मोनल अनबैलेंस या फिर विटामिन्स की कमी हो सकती है, बॉडी में और भी कोई परेशानी हो सकती है, स्कैल्प में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे रीजन है या फॉल होने के। तो जो लोग जिनके स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर इससे कवर हो जाता है। इसके अलावा एक और हेयर ऑयल है, उसका नाम है स्कैल्प थेरेपी। ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, 7 डे में आपको इसका असर दिखेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। तो मैं जस्ट आपको उसकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। वो हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है लाइव, और अब उसमें से कोई खुशबू नहीं आती है क्योंकि उसमें जो चीज़ें मिक्स की गई हैं वो सारी आयुर्वेदिक हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसे लगाना दिखाती हूँ। मेरे ब्यूवर ने मुझे बोला था, तो हमें क्या करना है, इसमें अपनी इन फिंगर्स को डिप करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, और इसी तरह से मैं ये वाली फिंगर्स भी लूँगी और इधर से पीछे की तरफ से अपने हाथ लेके जाऊँगी, और ऐसे इस ऑयल को हम अप्लाई करेंगे अपने बालों में बहुत अच्छे से। ऑयल को अप्लाई करते टाइम हम अपनी आईज को क्लोज रखेंगे, जिससे हम इजीली ये ऑयल यूज़ कर सकें। अच्छा है, इस तरह से आप इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और डियर्स, मैं एक खास बात आपको बता दूं कि आप लाइट नहीं करते हो, आप देख सकते हैं मुझे कितना ज्यादा पसीना आता है। इतनी गर्मी में आपके लिए इतने अच्छे वीडियोज बनाती हूँ, फिर भी आप लाइट नहीं करते हो, बहुत कंजूस हो। तो इस तरह से आपको ये ऑयल लेते जाना है और अपने हेयर्स पे इसी तरह से अप्लाई करना है, आगे भी पीछे भी। इजीली आप इसे यूज़ कीजिए, और इसके बाद जब भी आप अच्छे से पूरे सर में ऑयल लगा लेते हो तो आपको इधर इस साइड पे मसाज ज़्यादा करनी है, और इस तरह से धीरे धीरे इसको ऐसे थपथपाना है, जिससे आपके स्कल में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। और इसी तरह से आपको हमेशा ऑयल लगाना है। अगर ऑयल लगाओगे ना तो सीरियसली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शाम को आप ऑयल लगाइए, सुबह वॉश कर लीजिए, और इस ऑयल को आप यूज़ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सा ऑयल अपने लिए यूज़ कर रहे हो। और सीरियसली फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोज़ को देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करते हो, बहुत खुशी होती है। हाँ, लेकिन जिस वीडियो पे लाइक कम होते हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, और हम मिलते रहेंगे अच्छे टॉपिक्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।